असल स्टूडेंट दिस इज इब्राहिम एस सी सी पी ने रिसेंटली एक कंपनी को और उस कंपनी के ऑडिटर को uh, एक शो कर्स नोटिस इशू करा uh, वो जो शो कर्स्ट नोटिस इशू करा है उसके अंदर आई एफ आर एस की भी नॉन कम्पलाइंस हुई है आइजा की भी नॉन कम्प्लाइंस हुई है और कंपनी से एक्ट दो हज़ार सत्रह की भी नॉन कम्पलाइंस हुई है ये आठ से दस मिनट की एक वीडियो है एक बड़ा प्रैक्टिकल मैटर है अक्सर ऑडिटर से ये चीज़ सेलेक्ट कर जाती है और ये वन ऑफ द बिग फोर ऑडिट फॉर्म थी uh, तो इस मैटर को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि है क्या ये देखें सीन कुछ ऐसा था कि कंपनी ए एक लिस्टेड कंपनी थी कंपनी ए का एक सीईओ था और इस सीईओ ने कंपनी बी में 85 परसेंट शेयर होल्डिंग थी कंपनी ए के सीईओ की 85 परसेंट शेयर होल्डिंग थी हुआ क्या कंपनी ए और कंपनी बी के दरमियान एक ट्रांजैक्शन हुई और वो ट्रांजैक्शन ये हुई कि कंपनी ए ने कंपनी बी को एक अदत लोन दिया, ठीक है जी यह एक ट्रांजेक्शन हुई है अब जब यह ट्रांजेक्शन हुई है तो इसमें बहुत सी नॉन कंप्लाइंस हो गई मैनेजमेंट से भी नॉन कंप्लाइंस हो गई डायरेक्टर से भी हो गई सीईओ से भी हो गई और कंपनी के ऑडिटर से भी हो गई सिनेरियो किस तरीके से था थोड़ा समझे कौन कौन से सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं कौन कौन से आइजा अप्लाई हो रहा है कौन कौन से आई अप्लाई हो रहे हैं सबसे पहली चीज ये जो सीईओ है ये कंपनी ए का जो सीईओ है और इसने कंपनी बी में 85 परसेंट होल्डिंग की हुई है तो सबसे पहले तो मैं अगर आपसे कंपनीज एक्ट डिस्कस करूं तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से कंपनी ए और कंपनी बी आपस में एक एसोसिएटेड कंपनीज थी एसोसिएट कंपनी क्यों थी बिकॉज़ कंपनी ए का जो डायरेक्टर था उसकी किसी और कंपनी में या किसी और अंडरटेकिंग में 20 परसेंट से ज्यादा होल्डिंग होगी तो वो एसोसिएट uh, कंपनी सर ये तो सीईओ है तो सीईओ है, तो है, है और अगर डायरेक्टर के अमंग में से ना भी हो तो शेल बी डीम टू बी कंसिडर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी तो एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर का वर्ड यूज हुआ हुआ है तो सी ओ शेल बी डीम टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी तो दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज कहलाएंगी पहला सिनेरियो अच्छा अब ये एसोसिएटेड कंपनी अगर है तो इससे होगा क्या इसमें पहला मसला तो हमारे पास सेक्शन टू सब सेक्शन फोर जो कि डेफिनेशन है एसोसिएटेड कंपनी की वो अप्लाई हो गई अगली जो चीज अप्लाई हुई क्योंकि ये एसोसिएटेड कंपनी है तो यहां पे हमारे पास सेक्शन 199 अप्लाई हो गया जो कि डील करता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी सेक्शन 199 के तहत इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी चूंकि कंपनी ए ने कंपनी बी को लोन दिया है तो ये इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है इन्वेस्टमेंट या तो इक्विटी के फॉर्म में हो सकती है या लोन के फॉर्म में हो सकती है या एडवांसेस के फॉर्म में हो सकती है चूंकि ये लोन दिया गया है तो ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी है और लॉ बड़ा क्लियर है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी आप नहीं कर सकते अनलेस अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना करवाया मतलब आपको मेंबर्स की अप्रूवल लेना लाजमी है बाई थ्री फोर्थ यहां कंपनी ए ने कंपनी बी में जब इन्वेस्टमेंट करी तो ये स्पेशल रिजोल्यूशन मेंबर से पास नहीं करवाया अच्छा और क्या मसला हुआ एक और चीज ये हुई कि जी शायद देर इज अ पॉसिबिलिटी के बोर्ड से रेजोल्यूशन पास करवा दिया अगर तो बोर्ड से भी रेजोल्यूशन पास करवा दिया है तो हम एक चीज है हमारे पास सेक्शन 208 मैं आपसे डिस्कस ले कर रहा हूं बिकॉज सेक्शन 208 डील करता है रिलेटेड पार्टी से और रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन के अंदर बहुत बड़ी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अंदर एसोसिएटेड कंपनी का वर्ड भी यूज हो रहा है तो इसका मतलब यह कि ये एसोसिएट कंपनी तो है ही है ये सेक्शन 208 के तहत कंपनी की रिलेटेड पार्टी भी है चूंकि रिलेटेड पार्टी है तो यहां पे एक और सेक्शन अप्लाई हो जाएगा सेक्शन दो सौ सात और सेक्शन दो सौ सात यह कहता है, कि जी अगर है अगर किसी डायरेक्टर डायरेक्टर का इंटरेस्ट है company, अगर सीईओ बी बी टू द ऑफ अ कंपनी और जब यह लोन दिया जा रहा था और बोर्ड रेजोल्यूशन पास की जा रही थी तो सेक्शन दो कहता है कि ये जो डायरेक्टर है ये जो सीओ है चूंकि ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर है ये मीटिंग्स में प्रोसीडिंग में वोट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसका मतलब यह वोट भी काउंट नहीं होगा और यह बंदा एज कोरम के लिए भी कंसीडर नहीं किया जाएगा लिस्टेड कंपनी होगी तो रिक्वायरमेंट इतनी सख्त है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्कशन की जा रही होगी कि लोन दे या ना दे तो ये सीईओ उस एजेंडा आइटम में प्रेजेंट भी नहीं होना चाहिए बोर्ड मीटिंग में यह बंदा प्रेजेंट था इसने वोट भी दिया तो यह भी एक नॉन कंप्लायस हो गई अब मसला क्या था मसला यह था

एक्ट 2017 भी आ जाता है और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में आई भी आ जाता है इस सारे सिनेरियो में मेरे पास जो रेलिवेंट आई वो आर एस था मैं थोड़ा वो आई एस ट्वेंटी फोर था मैं के हिसाब से भी रिलेटेड पार्टी है आई

आरपी का जो सेक्शन है सेक्शन 208 और जो आरपी रेगुलेशन है उसमें एस एस डिस्कलोजर की बात तो नहीं करता हाँ लेकिन यह जरूर कहता है कि जो हमारे पास फोर्थ जो हमारे पास फोर्थ शेड्यूल है जो कि लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है और उसके ऊपर डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है वहां पे वो कहता है एसोसिएटेड कंपनी और रिलेटेड पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो आपने डिस्क्लोज करनी है तो मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी डिस्कलोजर की रिक्वायरमेंट थी और आई एस ट्वेंटी फोर के हिसाब से भी रिक्वायरमेंट थी ये मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये कंपनी आई एस ट्वेंटी फोर के हिसाब से आरपी नहीं भी होती बट चूंकि हिसाब से आरपी है तो इसको डिस्कलोजर जाना जाना जरूरी है इसके एक बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है कि कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से आई एस ट्वेंटी फोर कहता है कॉमन डायरेक्टरशिप वजह से रिलेटेड

इंस्टेंस दिया वो ये दिया कि मैंने तो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑप्टेन कर ली थी कि भाई क्या सारी की सारी आरपी आपने आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर डिस्क्लोज कर दी है और क्या मुझे कम्युनिकेट कर दिए मैनेजमेंट ने लिख के दिया है कि सारी की सारी आरपी अकाउंट फॉर डिस्क्लोज कर दिए और मुझे कम्युनिकेट कर दी है तो आप मैनेजमेंट से पूछे मुझसे ना पूछे एस ने कहा नहीं देखे मेरी बात समझने की कोशिश करें एज पर आइज़ा 550, फाइव फिफ्टी एज पर आइज़ा 550. जब आपने रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड अप्लाई किया होगा तो आपने सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं ली होगी बिकॉज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपने क्या करा होगा आपने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने आपने क्या कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी देखी होंगी इन्वेस्टमेंट रजिस्टर भी देखा होगा इन्वेस्टमेंट रजिस्टर भी देखा होगा शेयर होल्डर रजिस्टर भी देखा होगा और मिनट्स ऑफ और आइज 550 फिफ्टी इवन यहां तक कहता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन आपको आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लग रही है और मैनेजमेंट ने अगर आपको आरपीए नहीं बताई भी तो आप देखें कि ऐसी ट्रांजेक्शन क्यों किसी रिलेटेड किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ हो रही है और वो क्यों आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो रही है ये जो कंपनी ए थी इसका बिजनेस एलपी था ये एलपी बिजनेस कंपनी थी और ये कंपनी ए इसका बिजनेस एलपीजी है और ये कंपनी बी को लोन दे रही है इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ा बड़ा लोन रिसीवल लिखा हुआ आ रहा होगा ऑडिटर को वहां स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना चाहिए था उसने अगला रेफरेंस अगेन एज अ दोस्तों को दिया कि आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना चाहिए था आपको ये एसेस करना चाहिए था कि आपका बिजनेस एलपीजे का है और आप क्यों बजाय किसी और कंपनी को एज अ क्या कहते हैं लोन आप दे रहे हैं तो अगर मैंने ऑडिटर ने उसको देखा होता मैनेजमेंट से पूछा होता कि भाई कंपनी बी को लोन क्यों दिया जा रहा है क्या ये आपके रिलेटेड पार्टी है किस खाते में लोन दिया जा रहा है मुझे मिनट्स ऑफ द मीटिंग वगैरह तो दिखाएं मुझे लोन एग्रीमेंट तो दिखाएं अगर ये किया होता तो शायद ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई कर लिया होता यहाँ जो एस सी ने आपसे कहा वो ये कहा कि चूंकि आर की एक ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करती थी एक मटीरियल ट्रांजेक्शन थी एक और जो रेफरेंस था वो बड़ा जबरदस्त था वो था आईजा 250 फिफ्टी कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन

तो ये जो था सेक्शन 199 इसमें कहता है कि जी अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन के बगैर या सेक्शन 199 की नॉन कंप्लाइंस करी तो आपको लेवल थ्री की पेनल्टी लग जाएगी लेवल थ्री की पेनल्टी लग जाएगी तो इट मींस यहां ऑडिटर की जिम्मेदारी थी इस लॉ एंड रेगुलेशन को कंसीडर करना कि अगर कोई लॉज एंड रेगुलेशन से नॉन कंप्लायस होती है तो उसके ऊपर पेनल्टी होगी वो पेनल्टी एफ में रिकॉर्ड होनी चाहिए ऑडिटर वॉज फेल्ड टू अप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आइजा टू तो इस बेसिस पे ऑडिटर को भी शो कॉज नोटिस इशू किया गया अक्सर बच्चा कहता है कि सर क्या हम हमेशा ये लिखेंगे आप हमेशा ये लिखते रहे लेकिन द पॉइंट इज यू हैव टू कंडक्ट एन ऑडिट इन विद है इफ़ यू हैव फेल टू ऑफ कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्ड्स विद आईजा तो इस चीज के ऊपर आपको पेनल्टी इंपोज कर सकता है एस सी सी पी शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है आपके क्यूसीआर रेटेड अगर आपकी कोई रेटिंग वगैरह है उसको डाउनग्रेड कर सकता है ये सारी रिक्वायरमेंट अप्लाई होंगी ऐसा कभी नहीं होता कि जी जहां मैं फंस जाऊँ तो मैं सिर्फ उससे आज दोस्तों का रेफरेंस लूँ मैं रेफरेंस लाजमी ले रहा होता हूँ बट द पॉइंट इज हैड आई कंडक्टेड एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आईजा ये बड़ा मैटर करता है तो एक ऐसी सिचुएशन थी प्यारे बच्चों जिसके अंदर हमारे पास आई एफ आर एस की भी इंप्लीकेशन थी आई एस ट्वेंटी फोर अप्लाई हो रहा था हमारे पास आइजाज की भी इंप्लीकेशन थी बहुत सारे आइजास अप्लाई हो रहा था और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब कुछ क्यों अप्लाई हो रहा था बिकॉज ऑफ कंपनीज एक्ट दो हज़ार सत्रह आई uh, होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी